नमस्कार, मैं हूं अंशुली इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी, सी और डी की। दरअसल इनके बारे में हमारे देश में जानकारी थोड़ा कम ही है, जिसकी वजह से इनका संक्रमण भी आसानी से हो जाता है। मैं ब्लड डोनेट करने के लिए गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जब मेरा रैपिड टेस्ट हुआ ब्लड डोनेट में, तो उन्होंने बताया कि आपका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने फर्दर टेस्ट कराई तो उसमें क्लियर हुआ कि मुझे हेपेटाइटिस सी। मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया तो डॉक्टर साहब ने बताया इसका टाइप जो मेरा था टाइप 3, उसका ट्रीटमेंट 6 महीने का है और उसमें इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, इंटरफेरॉन वगैरह, तो उसको मैंने स्टार्ट किए थे। उसके बाद उसके साइड इफेक्ट बहुत थे इंटरफेरॉन के, मेरा वेट भी काफ़ी लूज हुआ, अभी भी उतना मेंटेन नहीं हो पाया, बट ये है कि वो नेगेटिव हो गया 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद। बहुत ही सीरियस बीमारी है और इन शॉर्ट बोलें तो लकड़ी में से दीमक लग जाती है ना, वैसा आदमी को पता नहीं चलता है कि उसे इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, मगर जब बाद में पता चलता है तो वो लाइलाज हो जाता है, लीवर ख़राब हो जाता है। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी, सी और डी की। ये तीनों ही बहुत जानलेवा हो सकती हैं। तीनों ही जो है खून के ज़रिए या हमारे किसी भी बॉडी के फ्लूइड के ज़रिए जाती है, मतलब सीमेन से चली जाएगी, खून से चली जाएगी। बहुत से केस आजकल हो रहे हैं कि जब माँ को अगर हेपेटाइटिस बी सी है तो वो अपने बच्चों को जन्म के समय पे हेपेटाइटिस बी और सी दे देती हैं। इन सब कारणों से ये वाले इन्फेक्शन होते हैं। ये वाले इन्फेक्शन बी और सी, क्योंकि डी उन्हीं को होएगा जिनको बी होता है, तो बी, सी और डी ज़्यादातर जो है वो हम जिसे क्रॉनिक बोलते हैं या लंबे समय के इन्फेक्शन होते हैं, ये छोटे समय के इन्फेक्शन नहीं होते हैं। इलाज में ट्रांसप्लांट भी है, हेपेटाइटिस बी, सी और डी के लिए दवाइयाँ भी हैं काफ़ी। बी, सी, डी ज़्यादातर जो है वो आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, उन्होंने कहा होगा अरे आपके खून की जांच में लिवर के टेस्ट ठीक नहीं आए हैं, तो फिर इन चीज़ों की जांच चालू हो जाती है। कई बार अल्ट्रासाउंड पे कोई लिवर में गड़बड़ बता दी जाती है कि फैटी लिवर है, लिवर बढ़ा हुआ है, या लिवर छोटे साइज़ का हो गया है, या पेट में पानी आ गया है, तो इन सब चीज़ों को जाँचने के लिए फिर ये जाँचें चालू की जाएंगी। बिना खून की जाँच कराए ये बताना नामुमकिन है कि कौन सी वाली हेपेटाइटिस हुई है। ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, ये तो हम सभी सुनते रहते हैं, लेकिन आखिर क्यों, ये बता रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब सुबह का नाश्ता। जब आपकी बॉडी रात भर सोई होती है, उसे कुछ खाना नहीं मिलता है, तो सुबह उठ के पहले वो खाना ढूंढती है कि हमें खाना दो, क्योंकि वो सेल्स जो होते हैं फंक्शनिंग के लिए फूड मांगते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो हम पेट्रोल डालेंगे तब गाड़ी आगे चलेगी, तो उस समय हमें अच्छा सा ब्रेकफास्ट अपने बॉडी को देना चाहिए। तो हम यूजुअली सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सुबह उठ के चाय, सबसे पहले चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, जो कि एक कैफीन है। तो सबसे अच्छी चीज़ है खाने का तरीका। ब्रेकफास्ट आप बड़ा करो, लंच आप उससे बड़ा करो, डिनर हमेशा उससे एक दो आइटम माइनस कर लो, तो हल्का डिनर करो। ये सब जानते हैं लेकिन करते सब उल्टा हैं। आजकल आप स्मूदी बना सकते हो, 2-3 फ्रूट्स लिए, मिक्सी में डाला, दही डाला, 1-2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स डाल दिए, ओट्स डाल दिया, उसको प्यूरी बना के ग्लास में बना के ले जाओ, ये एक कम्प्लीट मील है। अंडा टोस्ट खा लो, सुबह का एक स्टफ्ड पराठा खा लो, पनीर खाओ। अच्छा ब्रेकफास्ट अगर मैं कहूँ तो वो यही होता है जहाँ एक प्रोटीन और कार्ब्स और फैट का कॉम्बिनेशन हो। इतनी सारी चीज़ें हैं अपने हिंदुस्तानी किचन में, उसको छोड़ के हम इम्पोर्टेड चीज़ों पे जा रहे हैं, ये सही नहीं है। हिंदुस्तानी अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, कोई क्रेविंग्स नहीं होगी, कोई लैक ऑफ एनर्जी नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अब हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बताएंगी आपका स्ट्रेस कम करने के लिए आसन। नमस्कार, आज हम जो आसन करेंगे, ये आसन से आपकी जो एनर्जी फ्लो है बॉडी का वो बदल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्ट्रेस लेते हैं और आपको काम की चिंता रहती है, आपके मनी फ्लोज नहीं अच्छे हैं और आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहता है, ये पोस्चर से आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक अपने आप फ्लो आएगा।
और ये पोस्चर बहुत सिंपल पोस्चर है। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब इस पोस्चर में आप लेटेंगे आपकी जो ब्रेथ है वो आज ब्रेथ ऑफ फायर है जो नेवल से आएगी, और आपकी जब वो पंप होगा वो नेवल, तो आपकी जो ब्रेथ एक्सेल नाक से होगी। ये ब्रेथ 2 breaths per second की स्पीड से है, अगर आपको बहुत इंटेंस लगती है तो 1 breath per second। ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को ये ब्रेथ नहीं करनी है, अगर आप प्रेग्नेंट है वैसे भी ये पोस्चर ऑन द स्टमक है आप नहीं करेंगे। उसके अलावा हार्ट एलिमेंट्स आप ये वाला ब्रेथ नहीं करेंगे, उनके लिए ये ब्रेथ नॉर्मल ब्रेथ है जब आप लेटेंगे। ब्रेथ ऑफ फायर कैसे करना है एक बार हम फिर देखेंगे। आपने सिर्फ नोटिस करना है अपना हाथ अपने स्टमक पे रख के और उसके साथ आपकी ब्रेथ। आपने यही ब्रेथ इस पोस्चर में करनी है, और ये कैसे करना है पोस्चर आइए देखिए। आप सबसे पहले अपने स्टमक पे लेटेंगे, अपना फोरहेड जमीन पे लाएंगे, अपने हाथ पीछे लाएंगे और उनको इंटरलेस करेंगे। अपने फीट को आप हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे। यहाँ पे आप अपने आर्म्स ऊपर और अपनी लेग्स ऊपर करेंगे और ब्रेथ ऑफ फायर करेंगे। धीरे धीरे एक्सहेल करके रिलीज करेंगे और फिर अपना हेड एक तरफ टर्न करते हुए आप रेस्ट कर सकते हैं कुछ सेकंड, शोल्डर्स रिलैक्स करते हुए। ये पोस्चर आप 1 to 3 minutes हर रोज कर सकते हैं टू चेंज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ, टू चेंज द फ्लो ऑफ योर थॉट पैटर्न्स। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है, आपके चेहरे की रौनक चली गई है, तो हम आपको सिखा रहे हैं कैसे बनाएं एक स्क्रब। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक इंस्टेंट कॉम्प्लेक्शन स्क्रब के बारे में, यानी कि कोई भी आपकी अगर त्वचा हो उसको इंस्टेंटली आप कैसे जगा सकते हैं, कैसे उसको ग्लो दे सकते हैं बहुत ही आसान नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके लिए आपको चाहिए व्हीट जर्म, यानी कि गेहूं के दाने। इनको आपको मिक्सी में नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप इनको हाथ से ही कूटेंगे। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसको आसान करने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। जब ये दरदरा हो जाएगा तब आप इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे ओटमील। अगर आपको ओटमील नहीं मिलता या अगर आप ओट्स नहीं खाते तो आप इसमें जौ का आटा भी डाल सकते हैं, और इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच चंदन। थोड़ा सा दूध और हम मिक्स करेंगे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत गाढ़ा पेस्ट बन गया है। ये खुशबू भी बहुत ताज़ी है, बहुत फ्रेश है, और ये उन एरियाज पे भी लगाना है जिस पे आप अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि स्क्रब्स जो है हम यूजली चीक्स तक ही छोड़ देते हैं। ये कॉम्प्लेक्शन स्क्रब आपने आईलैशेस के नीचे, आईब्राउज के नीचे और पूरे फेस पे धीरे धीरे मलना है। मेरी ये सलाह होगी कि आप हफ्ते में 2 बार ये स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल करें, और आप देखिए कि आपकी जो त्वचा है वो कितनी स्मूथ और बेबी सॉफ्ट लगने लगेगी। और अब वक्त आ गया है कसरत करने का। हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको बता रही हैं आपकी कमर और बैक के लिए कुछ कसरत। आज हम अपने कोर मसल्स यानी कि अपने वेस्ट को और अपने बैक को वर्कआउट करने लगे हैं। इसके लिए मैं 2 exercises लेके आई हूँ। पहली एक्सरसाइज, आप प्लैंक पोजीशन में आ जाइए कुछ इस तरह से। आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे होने चाहिए, आपका पेल्विस लिफ्टेड होना चाहिए। अपने पैर को अंदर की ओर लेके आइए और बाहर पुश कीजिए जैसे आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो। अपने कोर को स्टेबल रखिए। इसको 20 times दोनों साइड्स पे रिपीट कीजिए। अब
अपने फुट को फ्लेक्स्ड रखिए। इस एक्सरसाइज को दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए। हमारी दूसरी एक्सरसाइज, उसके लिए आप इस तरह से आ जाइए। हम अपने वेस्ट को वर्कआउट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आप 8 से 10 बार शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाते चलिए। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल करें #fitrahe। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।